हाँ बच्चों, अब स्कूल खुले हुए काफ़ी दिन हो गए और आज से प्रार्थना शुरू होगी स्कूलों में। ठीक है, पहले प्रार्थना नहीं होती थी, सीधे क्लास में आते थे, दूर दूर बैठते थे। दूर दूर तो अब भी बैठना है, मास्क लगाए रखना है, ठीक है, दूरियां बनाए रखनी है। और प्रार्थना जब करेंगे, भूल गए हो गए आप, दो तीन साल, दो साल हो गए, डेढ़ साल तो पक्का ही हो गया प्रार्थना किए हुए, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगी, सारी प्रार्थना याद हो जाएगी। तो आप प्रार्थना रोज़ की नहीं करा करो, सोमवार को अलग प्रार्थना, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, ठीक है। ईश्वर के नाम अलग अलग रूपों में, अलग अलग शब्दों में प्रार्थना होनी चाहिए, सुंदर भी लगती है, आकर्षक भी लगती है, ठीक है। तो मैं कुछ प्रार्थनाएं बताऊंगा आपको, लिखवाऊंगा, उनको घर पर याद कर लेना, और कल एक साथ प्रार्थना में मिलकर गाना है, ठीक है। एक दो दिन में याद हो जाएगी, आज मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। पहले मैं उनको गाकर बताता हूँ कौन कौन सी कैसी अच्छी लगती है कि नहीं, ठीक है। तो देखो, पहली प्रार्थना बता रहा हूँ मैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, एक एक शब्द को सुनना बहुत ही अच्छी है और याद हो जाएगी। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस कर जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, मुश्किल में घबराए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, आदमी से गलतियां हो जाती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे गलतियां नहीं हो, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन अच्छा इंसान कौन सा है जो गलती को दूर कर ले। गलती हमें रुलाती है, धोखा होता है कि यार ये नहीं करता तो ठीक था। कई बार आपके घर पर मेहमान आए और आप खेल में भाग जाओ खेलने के लिए, और पानी का ही नहीं पूछो मेहमानों को, मामा जी को, नाना जी को, तो पापा जी चांटा लगाते हैं ना, तो वो एक बार रोते हैं, लेकिन हमें एक सीख लेते हैं कि हमें मेहमानों का आदर करना चाहिए ना। तो गलती होती है, वो रुलाती है, लेकिन राह दिखा देती है, एक सीख दे देती है ना। तो ध्यान से सुनो, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुज मतलब मानव आदमी, मनुज गलती का पुतला है वो अक्सर हो ही जाती है, वो अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, अब अगला पद सुनो, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं, लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं, परमार्थ मतलब भला, लोगों का भला, लोगों के लिए जीते हैं, लोगों का भला करते हैं, वो इंसान का गुण है। क्यों? क्योंकि अपने लिए तो पशु भी जीता है, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, कुत्ते भी लिए, अपने कुत्ते भी लिए नहीं है ना। ईश्वर ने आदमी को श्रेष्ठ बनाया है तो श्रेष्ठ काम भी करो, ठीक है ना।
दया करुणा ममता सहयोग सहायता, ये जानवरों में नहीं होते गुण, आदमी में होते हैं, तो इनका उपयोग करो, दीन दुखियों की सेवा करो, ठीक है ना। ये गुण पशुओं में नहीं होते। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, प्रार्थना सुंदर थी, हाँ। याद हो जाएगी, हाँ। ज़्यादा कठिन नहीं है, नहीं। ये लिखनी है और एक दो बार घर पे पढ़ोगे, फिर यहाँ प्रार्थना में गाएंगे तो धीरे धीरे 5-4 दिनों में ये पक्की हो जाएगी, है ना। राष्ट्रीय गान आना चाहिए, राष्ट्रीय गीत आना चाहिए, है ना। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में फर्क है पता है, हाँ। राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन अधिनायक जय, और राष्ट्रीय गीत, हाँ, वंदे मातरम सुफलाम सुजलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, ये वाला, इसके शब्दों को समझो। वंदे मातरम यानी हे माता, हे भारत माता, तुझे वंदन हो, वंदना हो, है ना। पूजा करते हैं हम धरती माँ की या भारत माता की, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, भारत माता का गुणगान किया है, कैसे कि सुजलाम सुफलाम, सुजलाम यानी सुंदर जल वाली, पवित्र जल, गंगा माँ, गंगा का पवित्र जल, गंगा नदी भारत में बहती है ना, तो इस वो प्रार्थना कर रहा है और साथ में भारत का गुणगान कर रहा है कि भारत की जो पवित्र नदी है, जो पापियों के पाप काटती है, गंगा नदी, इतना सुंदर पवित्र जल भारत में बहता है। फिर क्या है आगे, सुजलाम सुफलाम, सुंदर फल वाली। देखो इधर, भारत में विविध प्रकार के फल पाए जाते हैं, ये धरती ना अद्भुत है, कहीं पहाड़ है, कहीं गर्त है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं खुला मैदान है, कहीं हरियाली है, विविधता भरे हुए हैं इस देश में, और यहाँ भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के फल फ्रूट यहाँ पाए जाते हैं। विश्व की दूसरी ऐसी धरती बहुत ही कम मिलेगी जहाँ हर प्रकार का अन्न फल फूल ये हर प्रकार के पाए जाते हों, विश्व में और कम ही मिलेंगे। ये भारत की धरती है, यहाँ की भौगोलिक दशा ऐसी है, भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि यहाँ हर प्रकार के पेड़ मिलेंगे आपको, हर प्रकार का फल मिलेगा, हर प्रकार के सब्जी वगैरह सब कुछ मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, कि शीतल शीतल हवा मलय पर्वत से चलने वाली इस धरती को आनंदित करती है, यहाँ के निवासियों को आनंदित करती है। तो इस प्रकार के अर्थ वाला राष्ट्रीय गीत है, उसे याद करना है और प्रार्थना में गाना है, ठीक है। अब एक प्रार्थना और देखो, मैंने कहा था ना रोज अलग अलग प्रार्थना करनी है, उस प्रार्थना में शुरू के दो एक शब्द जो हैं वो आपको देखने में अटपटे लगेंगे, लेकिन उसको ले में गाओगे तो सीख जाओगे। पहले मैं शब्द लिखता हूं, अब देखिए सारे भगवान के नाम है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जानकी सीता को बोलते हैं, वल्लभ होता है पति, सीतापति कौन, राम, सीतापति कौन, जानकी वल्लभम कौन, राम, ये ईश्वर के नाम है, भगवान के नाम है, कृष्ण के नाम है, ठीक है। तो प्रार्थना में देखना इन शब्दों का प्रयोग, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, मेरे साथ बोलो, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, एक बार और बोलो, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे तुम बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर सबरी की जैसे तुम खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों के जैसे तुम नचाते नहीं, गोपियों के जैसे तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माया सौदा के जैसे तुम सुलाते नहीं, माया सौदा के जैसे तुम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये दो चार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। ये क्या कह रहा है, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, सो जाएंगे। तुम यशोदा की तरह सुला के दिखाओ। यशोदा लोरी सुनाकर कृष्ण को सुनाती थी ना, और कहता है कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। क्या भगवान तो खाते नहीं, खाते हैं भगवान है, पर तुम में खिलाने वाली श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास नहीं है, वो आस्था कम हो गई। आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, है ना। तो कह रहा है सबरी ने भी जूठे बेर खिला दिए थे भगवान राम को। सबरी है ना, वन में रहती थी झोपड़ी बनाकर, और वो भगवान राम के स्मरण करती थी, और उसको विश्वास था, उसकी आस्था थी राम में कि मेरे राम कभी ना कभी इस मार्ग से गुजरेंगे, कभी ना कभी मुझे दर्शन देंगे। अब एक दिन ऐसा हुआ संयोग से, सीता को रावण उठा के ले गया। राम लक्ष्मण दर दर भटकते हुए उसी रास्ते से, ये संयोग था कि सबरी के रास्ते से जाने लगे, और सबरी देखकर अपने राम को प्राप्त करके जिसकी वो पूजा करती थी, जिसका कई दिनों से इंतजार करती थी, राम को सामने देखकर वो तो विह्वल हो गई, भाव विभोर हो गई। एक शब्द बताया था ना मैंने, विह्वल, है ना, भाव विभोर हो गई वो, और वो दौड़ी दौड़ी राम के चरणों में गिर गई कि आपने तो मेरी गति कर दी, आपने तो मेरा उद्धार कर दिया, भव सागर से पार कर दिया, मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। और फिर उसने सोचा कि मैं राम का आदर सत्कार कैसे करूं, सेवा कैसे करूं, राम मेरे मेहमान बनकर आए हैं, मेरी कुटिया पर आए हैं। पर उसके पास खिलाने को कुछ नहीं था, वो नीचे जाति की थी जिसको लोग शूद्र बोलते हैं, लेकिन भगवान राम ने कोई भेदभाव नहीं किया, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। तो भगवान राम को उसने बेर, जंगल में बेर मिलते हैं, वो बेर लाकर खिलाने लगी, लेकिन उसने सोचा कि मेरे राम मेरे दर पर पहली बार आए हैं और मैं खट्टे बेर नहीं खिला दूं, तो वो बेरों को चखना चाहती थी, चख चख कर खिला रही थी, और बेरों को चखेगी तो जूठे हो जाएंगे। लेकिन राम ने कोई भेदभाव नहीं किया, प्यार के बल पर, श्रद्धा के कारण राम ने जूठे बेर ही खा लिए, है ना। तो ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते। तो कह रहा है कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, है ना। ये दूसरी प्रार्थना थी, अच्छी लगी। कई प्रार्थना याद करनी पड़ेगी, स्कूल खुल गए, प्रार्थना शुरू हो गई, आपको रोज सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, और दो चार दिन में याद हो जाएगी, बार बार पढ़ेंगे तो। अगली प्रार्थना देखो, बहुत ही सुंदर है, मेरे साथ साथ गाना पड़ेगा, मैं बोलूँ उसके पीछे। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी
आत्मा में शुद्धता देना। एक एक शब्द को सुनो ध्यान से, बहुत प्यारे शब्द हैं। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। कई बार हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं या अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो भगवान के पूजा में ध्यान नहीं लगता। क्यों? ध्यान बार होता है कि आज तो हिंदी का काम नहीं किया, गुरुजी मुर्गा बनाएंगे, आज तो गणित का याद नहीं किया। दिमाग में तो वो रहता है और मन में क्या कहते हैं, राम 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 राम। तो वो ध्यान राम में जाता नहीं ना, तो वो प्रार्थना कर रहा है कि हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमें परमात्मा देना। अगली लाइन सुनो, बहुत ही शानदार है। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। पस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। ये क्या है, कोरोना काल में प्रार्थना हुई नहीं ना, तो लाइट उठ गई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रार्थना आने लग जाएगी। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ही ईमान, ईमान ईमान है ना, ईमानदार बना रहना ना। ईमान हो सेवा, ओ सेवक चर बना देना। ओ सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। अगली लाइन और बढ़िया है, ध्यान से सुनो। वतन, वतन क्या होता है? हाँ, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। अब एक और है लास्ट है, वो बहुत ही सुंदर शब्दों वाली है, माँ शारदे। माँ शारदे, शारदे कौन है? सरस्वती माँ। शारदे किसका नाम है? तो इसकी प्रार्थना सुनो, बहुत ही शानदार है। पहले मैं बोलूँगा, उसको समझना, फिर पीछे बोलना है। नहीं, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे,
हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मतलब हमसे अज्ञानता दूर करो, ज्ञान की देवी हो तुम, ज्ञान दो। अगला अंतरा देखो, मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, हम तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हम तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी, मतलब सफ़ेद रंग के फूल पर विराज करने वाले, सफ़ेद पुष्प पर बैठिए ना, सफ़ेद कमल पर बैठिए ना। देखो, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, विद्या का हमको वरदान दे माँ, विद्या का हमको वरदान दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो ये प्रार्थना है, एक बार में सेट नहीं होती, कई बार गाएंगे तो सीख जाओगे, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं।